बड़ी खबर अपने दर्शकों को दे दें। देखिए यूपी के मुख्य सचिव और डीजीपी हाथरस पहुंच गए हैं। आज सीएम योगी आदित्यनाथ के पहुंचने की भी उम्मीद है हाथरस, सूत्रों से यह जानकारी मिल रही है। मुख्य सचिव और डीजीपी आज ही अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। एडीजी और आगरा कमिश्नर भी आज अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। जिस तरीके से जांच के निर्देश सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से दिए गए थे, और अब ये जानकारी मिल रही है कि एडीजी और आगरा कमिश्नर भी अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। मुख्य सचिव और डीजीपी भी आज ही अपनी रिपोर्ट सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपेंगे। दीपक, इस खबर पर और अपडेट हमें देंगे। दीपक, जांच के लिहाज से अगर देखा जाए तो आज का दिन कितना अहम माना जाए, क्योंकि आज मुख्य सचिव भी अपनी रिपोर्ट सौंपने वाले हैं सीएम योगी आदित्यनाथ को, और सीएम खुद पहुंचने वाले हैं आज, सूत्र ये बता रहे हैं। जी बिल्कुल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जहां पहुंचेंगे उसी हाथरस जिला अस्पताल में मौजूद हूं। तैयारियां काफ़ी ज़्यादा की गई हैं, सुरक्षा के इंतज़ाम किए गए हैं, तमाम अधिकारी यहां पर पहुंच गए हैं, सीएमओ से लेकर एसडीएम यहां पर मौजूद हैं। फॉरेंसिक की एक टीम भी आई है। 38 शवों को कल देर रात यहाँ पर लाया गया था, जिनमें से करीबन 36 से 37 शव को की शिनाख्त हो चुकी है। उन्हें पोस्टमार्टम के बाद उनके परिजनों को सौंप दिया गया है। करीबन 10 लोग घायल हैं जो कि यहां पर भर्ती बताए जा रहे हैं। ये जो ब्लॉक आप देख रहे हैं यहां पर घायलों को भर्ती किया गया है, ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे थे, और उन्हीं को देखने के लिए सीएम योगी आदित्यनाथ करीबन 11 बजे यहां पर पहुंच सकते हैं। और ये देखिए, ये अंदर की तस्वीरें हैं, ये हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से जो घायल हैं वो यहाँ पर अभी भी मौजूद हैं, उनका इलाज चल रहा है। स्थिति बहुत भयानक है, और जिनके परिजन नहीं रहे वो उनका रो रो कर बुरा हाल है। कई लोग रात भर खोजते रहे अपने परिजनों को, जिनकी जिनको नहीं मिल पाए, जिनको सुबह पता चला कि वो किस अस्पताल में हैं, और जब पता चला कि वो नहीं रहे तो उसके बाद स्थिति बहुत ही ज़्यादा भयानक है। तो ये तस्वीर हम आपको अस्पताल के भीतर की दिखा रहे हैं, जहाँ पर इस वक्त घायलों का उपचार चल रहा है। इनसे बात करने की कोशिश भी करते हैं। आपकी माता जी हाँ सत्संग में? हाँ। स्थिति है मत? अब तो ज़्यादा तबीयत खराब है मम्मी की। हाँ, बोल रहे हैं डॉक्टर? डॉक्टर साहब अभी दिखाया नहीं है, अभी तो लाए हैं। बात कर पा जी? हाँ बात तो कर पा रही हैं। माता जी कैसी हालत है? पेट में जी, पेट में ही ज़्यादा पेशाब निकल गई। ये उस वक्त क्या हुआ था, कुछ बता पाएंगे अगर आप बता सके? संग में क्या हुआ था? एकदम में भीड़ आई, एक भाई गिर गई, तो तोरा ऊपर तो हमारी ऊपर गिरी, पेट में ही ज्यादा चोट लगो, पेशाब निकल गई। बहुत ज्यादा भगदड़ हो गई एक जाने से। हाँ। कैसे आप वहाँ से बच पाई, कैसे निकल पाई? हमारी वैसे ही हमारे संग वाले लेके लिवाए के लेके आए। हाँ, घर घुस पड़े। किसकी गलती लगती है आपको, क्या कैसे हुआ ये भगदड़, क्या हुआ ऐसा अचानक, क्या हो गया? सत्संग आप पहले चल रहा था आराम से, फिर अचानक से क्या हुआ? पब्लिक एकदम में भाज पड़ी, पब्लिक गिरी एकदम। बिल्कुल दीपक, अस्पताल के अंदर की तस्वीरें तो हम नहीं दिखा सकते, लेकिन ये भी समझना जरूरी है कि उस वक्त आखिरकार क्या हुआ। और घायल खुद बता रहे हैं कि एकाएक भीड़ ऐसी इकट्ठा हुई कि संभलने का समय उन लोगों को नहीं मिला। बने रहिएगा हमारे साथ।